सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे व ऐतिहासिक टेस्ट मैच को भारतीय टीम ने 46 रन व एक पारी के बड़े अंतर से जीत लिया है। आपको बता दें कि गुलाबी गेंद से खेले जा रहे इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच को भारतीय टीम को जीतने में एक क्षण भी दिक्कत नहीं आई। मुकाबले की शुरुआत से ही भारतीय टीम ने अपना दबदबा बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही पहलू में बांग्लादेश की टीम पर भारी रखा, जिसके चलते तीसरे दिन का खेल अभी आधा भी नहीं हुआ था कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 46 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। चलिए फटाफट से नजर डालते हैं मुकाबले की हाइलाइट्स पर। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि पहले दिन के खेल में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत बेहद ही धीमी रही क्योंकि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने जल्द ही गुलाबी गेंद से तेज तर्रार गेंदबाजी कराना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि पहली इनिंग में टीम के गेंदबाजों का प्रदर्शन कुछ इतना ज्यादा बेहतरीन था कि अभी बांग्लादेश की टीम अपने 31 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई थी और पूरी की पूरी टीम मैच 106 रनों पर ऑल आउट हो गई। इनमें सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए थे ईशान शर्मा ने, जिनके नाम 5 विकेट रहे थे। उसके बाद पहली इनिंग में उमेश यादव ने 3 विकेट अपने नाम किए थे तो वही मोहम्मद शमी ने भी 2 विकेट अपने नाम कर लिए थे। अब बात करते हैं भारतीय टीम की बल्लेबाजी की। पहली इनिंग में भारतीय टीम ने जोरदार पलटवार किया और शुरुआत बेहद ही धमाकेदार थी। कप्तान विराट कोहली ने जहां मैदान में शतकीय पारी खेली तो वहीं दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे व चेतेश्वर पुजारा ने भी अर्धशतक लगाए थे। विराट कोहली की इस गुलाबी गेंद से शतकीय पारी के बाद 136 रनों के चलते भारतीय टीम का स्कोर 300 के पार जा चुका था और टीम ने 9 विकेट भी गंवा दिए थे, जिसके बाद कप्तान विराट कोहली ने यह जरूरी समझा कि 347 रनों पर पारी को घोषित करना चाहिए क्योंकि दूसरे दिन के खेल में शाम के समय में गेंद ज्यादा स्विंग होने लग गया था। अब इस बात का फायदा दूसरी इनिंग्स में पूरी तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों ने एक बार फिर से उठाया। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह बता दें कि बांग्लादेश की टीम पर दूसरी इनिंग में 241 रनों की लीड बरकरार थी और जब टीम के गेंदबाजों ने दूसरी इनिंग्स में गेंदबाजी शुरू करी तो ईशांत शर्मा ने शुरुआती 10 ओवर्स में ही बांग्लादेश की टीम को 2 बड़े झटके दे दिए थे। और दोस्तों बस फिर क्या होना था, विकेट्स लेने का सिलसिला कुछ इसी तरीके से चलता रहा और एक के बाद एक बांग्लादेश की टीम के सभी बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नापने लग गए। हालांकि इस दौरान मुशफिकुर रहीम ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। 96 गेंदों का सामना करके 94 रन उन्होंने अपनी पारी में जड़ दिए थे, लेकिन एक खिलाड़ी की बल्लेबाजी टीम को जिताने के लिए काफी नहीं होती। और फिर तीसरे दिन के खेल में पारी के 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर रहीम का विकेट लेकर उमेश यादव ने भारतीय टीम को मुकाबले में 95% वहीं जिता दिया था। अंतिम विकेट भी उमेश यादव ने ही अपने नाम किया और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट उमेश यादव के नाम पर रही। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से फिर भारतीय टीम ने 46 रनों के बड़े अंतर व एक पारी से इस मुकाबले को जीत लिया है। पिछले मुकाबले को भी भारतीय टीम ने 130 रनों के बड़े अंतर व पारी से जीता था। साथ ही दोस्तों आपको यह बता दें, कप्तान विराट कोहली दुनिया के ऐसे पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने पिछले 4 लगातार टेस्ट मुकाबले पारी के बड़े अंतर से जीते हैं। दुनिया का आज तक कोई भी कप्तान ऐसा बड़ा रिकॉर्ड तो अपने नाम नहीं कर सका है। साथ ही आपको बता दें कि विराट कोहली की कप्तानी के अंडर वर्ल्ड कप के बाद लगातार भारतीय टीम की यह 7वीं जीत भी है। इस मुकाबले में सबसे ज्यादा विकेट ईशांत शर्मा ने अपने नाम किए, जिनके नाम पर कुल 9 विकेट रहे। और दोस्तों भारतीय टीम की इस जीत से खुश होकर आप टीम के ऑलराउंड प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।